everyone, today we will read 9th class 2nd poem Win. This poem is written by Subramanya Bharati and translated by A.K. Ramanujan. यानि इस पोएम को लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. Ramanujan ने. In this poem, the poet talks to wind. Here he described and showed that wind is destructive. यहाँ पर पोएट हवा से बात कर रहे हैं और ये दिखाते हैं कि विंड जो है वो काफ़ी विनाशकारी होती है. सो हेयर पोएट रिलेट्स द पावर ऑफ विंड विद द एडवर्सिटी ऑफ लाइफ. यहाँ पर पोएट ने विंड की जो पावर है उसको रिलेट किया है जीवन में आने वाले दुखों से. दैट वी पीपल ब्रेक डाउन हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग पीपल डिफिकल्टीज से बाहर निकल आते हैं. सो हेयर पोएम गिव्स अ मैसेज दैट we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. यानी कि हमें जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही रूप से क्या बनना होगा, स्ट्रोंग बनना होगा ताकि हम जिंदगी में आने वाली समस्याओं का सामना कर सकें. क्योंकि एक कमज़ोर मनुष्य वैसे ही टूट जाता है जैसे एक कमज़ोर बिल्डिंग तेज़ तूफान में टूटकर नीचे गिर जाती है. So, we must make these destructive forces our friends. और हमें इसी वजह से हमें इन विनाशकारी शक्तियों को अपना मित्र बनाना होगा, यानी हमें बहुत मजबूत बनना होगा. Our first stanza is, हमारा पहला stanza क्या है देखते हैं. Wind, come softly. ए हवा, धीरे चलो. Don't break the shutters of the window. डोंट ब्रेक, मत गिराओ द शटर्स, दरवाजों को, ऑफ द विंडो, खिड़कियों की, यानी खिड़कियों के दरवाजों को मत गिराओ. डोंट स्केटर द पेपर्स, डोंट स्केटर मीन मत बिखेरो द पेपर्स, पेपर को. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डोंट थ्रो डाउन मत गिराओ बुक्स, किताबों को, ऑन द सेल्फ, अलमीरा में रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड. देयर, वहाँ, लुक, देखो, व्हाट यू डिड, क्या किया तुमने. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको गिरा दिया. यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, यू, और आपने जो है टोर मीन फाड़ दिया द पेजेज ऑफ द बुक्स, किताब के पन्नों को. और यू ब्रोट रेन अगेन, ब्रोट मीन ले आई हो, रेन बारिश, अगेन दोबारा से, और तुम दोबारा से बारिश को ले आई हो. यू आर वेरी क्लीवर, बहुत चालाक हो. एट पोकिंग फन, एट विकलिंग, पोकिंग फन मीन मजाक कर रही हो और विकलिंग मीन्स कमज़ोर लोगों का, और तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ा रही हो. सो इन दिस स्टेंजा पोएट इज टॉकिंग टू द विंड एंड ही इज आस्किंग टू द विंड टू कम सॉफ्टली. यहाँ पर पोएट विंड से बात कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आप धीरे चलो, और एक तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे आए, क्योंकि तुम अगर तेज आते हो तो ये सारी चीज़ें जैसे कि विंडो है, पेपर्स हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं, तुम्हारे आने से परेशान हो रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं. सो द पोएट रिक्वेस्ट टू द विंडो दैट रिक्वेस्ट टू द विंड दैट विंड शुड कम सॉफ्टली. इट मीन्स दैट विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाउड, क्योंकि जब भी वो तेज़ होती है या तेज़ हवा चलती है, द वीक थिंग्स लाइक स्मॉल प्लांट्स, टीनी चिल्ड्रंस, ऑल दे गेट स्केयर्ड एंड दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट. क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप तेज़ हवा ऐसे ही चलती रही तो जो कमज़ोर लोग हैं या कमज़ोर चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, उससे डर जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं और उन्हें चोट लग जाती है. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट इज टॉकिंग टू द विंड बाय रिक्वेस्टिंग हर दैट कि उसे धीरे आना चाहिए और कमज़ोर लोगों के साथ उसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए. नाउ इट्स वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वन इज पोकिंग फन. पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना. नेक्स्ट वन इज विकलिंग. विकलिंग मीन अ पर्सन
आर अ थिंग विच इज वीक, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो कमजोर है. सो आवर सेकेंड स्टैंजा इज फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज क्रम्बलिंग डोर्स क्रम्बलिंग राफ्टर्स. फ्रेल मीन्स कमजोर, क्रम्बलिंग मीन गिरा रही हो, हाउसेज घरों को, यानी जो घर कमजोर हैं उनको गिरा रही हो, क्रम्बलिंग डोर्स दरवाजों को गिरा रही हो, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. राफ्टर होते हैं अ बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, एक बीम जो हमारी छत को सपोर्ट देता है उसको मजबूत बनाने के लिए, यानी आप राफ्टर्स को भी गिरा रही हो. क्रम्बलिंग वुड जंगल को गिरा रही हो, वुड मीन यहाँ पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, यानी कि वो जंगल जो जहाँ पर कमजोर पेड़ हैं उनको भी आप नीचे गिरा रही हो. क्रम्बलिंग बॉडीज यानी एनिमल्स लिविंग बींग जितने भी हैं वो जो कमजोर हैं उनको आप इधर उधर झकझोर रही हो. क्रम्बलिंग लाइव्स यानी जिंदगियाँ जितनी भी धरती पर लाइव्स हैं उन सबको नीचे गिरा रही हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स दिलों को तोड़ रही हो. द विंड गॉड विनोज एंड कर्सेस देम ऑल. और अब यहाँ पर पोएट जो है विंड गॉड से बात कर रहे हैं, यानी हवा को के देवता से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हवा के जो, का जो भगवान है या देवता है वो क्या कर रहे हैं, विनो कर रहे हैं. विनो मीन छटक रहे हैं. छटकना क्या होता है कि जैसे हम अनाज निकालते टाइम अनाज को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वही विनो कहलाती है, पिछोड़ना जिसे हम कह सकते हैं. एंड कर्सिस दैम ओल्ड, और उन सब का नाश कर रही हो. सो हियर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मैनी टाइम्स. यहाँ पर वे जो है क्रम्बलिंग शब्द काफ़ी बार यूज हुआ है, वो इसीलिए यूज हुआ है कि यहाँ पर पोएट जो है स्ट्रेस डाल रही हैं, अपनी बात को स्ट्रेसफुल बनाने के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है. In this passage, the writer wants to clear that when wind is powerful, it leads to breakage of everything. कि जब हवा तेज हो जाती है या powerful हो जाती है तो ये हर किसी के टूटने का कारण बन जाती है. Means everything that is weak will fall. So the poet is wants to clear that whenever a weak person faces any adversity or difficulty in his life. ब्रेक्स डाउन्स एंड फॉल्स. तो यहाँ पर कहता है कि हर वो चीज़ जो कमज़ोर है वो क्या हो जाएगी, टूट जाती है. और ये भी मैसेज है कि एक कमज़ोर आदमी जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कभी नहीं कर पाता है. और इन द एंड द पोएट गॉड विनोज द विंड गॉड विनोज एंड कर्सेस देम ऑल. यहाँ पर पोएट जो है एड्रेस कर रही है विंड गॉड से, ये कह रही हैं कि भगवान जो है गॉड ऑफ विंड काफ़ी पावरफुल हैं और वो सभी लोगों को और सभी कमज़ोर चीज़ों को क्या कर रही हैं, इधर उधर गिरा रही हैं और उन्हें नष्ट कर रही हैं. सो हियर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीट एंड पीपल. तो यहाँ पर वीट और पीपल के बीच में, वीट मीन गेहूँ या कोई भी अनाज आप लगा सकते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है. जैसे कि हम वीट को सेपरेट करते हैं उसके भूसे से, वैसे ही विंड गॉड भी हमें सेपरेट कर रही हैं, अलग कर रही हैं कमजोरी से. यानी कि यहाँ पर एक सेपरेशन हो रहा है बिटवीन स्ट्रॉन्ग पीपल एंड बिटवीन वीक पीपल. सो मैसेज यहाँ पर पोइट यही देना चाहते हैं कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग सो दैट वी कैन फेस द एनी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ. वर्ड मीनिंग्स आर फ्रेल, फ्रेल मीन कमजोर, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन फॉलिंग, फॉलिंग मीन नीचे गिरते हुए, राफ्टर, राफ्टर मीन्स अ बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग यानी छत को सपोर्ट करने वाला बीम. एंड नेक्स्ट वन इज विनोज, विनोज मीन अ प्रोसेस दैट सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, यानी कि अनाज को भूसे से अलग करने वाला प्रोसेस. नाउ आवर नेक्स्ट स्टैंजा इज ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम. ही मीन्स यहाँ पर विंड गॉड है, वुड नॉट डू नहीं करेगा व्हाट यू टेल हिम जो तुम उसे कहोगे. यानी यहाँ पर पोएट क्या कहती हैं कि भगवान वैसे नहीं करेंगे जैसे तुम चाहते हो. सो इसीलिए
कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। और अब जो है हम सबको कह रहे हैं कि आओ हम सभी के सभी अपने घरों को मजबूत बनाएं। बिल्ड मीन बनाना, स्ट्रॉन्ग होम्स मीन्स मजबूत घर, यानी अपने आप को हम इतना मजबूत बना लें कि विंड गॉड भी हमारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फिर्मली, आओ हम अपने घरों के दरवाजों को स्ट्रॉन्ग बना लें। ज्वाइंट द डोर्स फिर्मली, फिर्मली का मतलब भी यहीं पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से है। प्रैक्टिस टू फिर्म द बॉडी, और हम अपने शरीर को भी उतना ही ताकतवर बना लें। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, हम अपने दिलों को भी स्टीडफास्ट कर लें। स्टीडफास्ट मीन फिर्म, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, यानी हम अपने हार्ट को भी उतना मजबूत कर लें जितना भगवान विंड हमें हमसे चाहते हैं। डू दिस, और पोएट कहते हैं कि ये सारे काम करें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद इस और विद एस, कि हवा जो है हमारी फ्रेंड बन जाएगी। यानी अगर हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि तेज हवा के आने से वो सारी चीज़ें जो पहले गिर रही थी वो अब नहीं गिरेंगी, अगर हम मजबूत बन जाते हैं तो। सो पोएट हियर वांट्स टू अस दैट वी हैव टू मेक फ्रेंड द विंड गॉड, कि हमें जो है विंड गॉड को अपना फ्रेंड मानना होगा या बनाना होगा। इसका मतलब है कि जो एडवर्सिटीज या प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती हैं, उन प्रॉब्लम्स की हमें शिकायत करने की बजाय कि ये हो गया वो हो गया, हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन, और उसकी तैयारी के लिए ही हमें क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, कि हमें अपने आप को, अपने घरों को, अपने दिलों को, सबको क्या करना पड़ेगा, मजबूत बनाना होगा, स्ट्रोंग बनाना होगा। नाउ इस वर्ड मीनिंग आर स्टीडफास्ट, स्टीडफास्ट मीन फिरम, फिरम मीन्स स्ट्रोंग यानी ताकतवर। नेक्स्ट स्टैंजा इज द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड ब्लोज आउट मीन बुझा देती है, वीक मीन कमजोर, फायर मीन कमजोर आग को, यानी हवा जब तेज चलती है और कमजोर आग है, यानी हवा की आग की लपटें अगर कम है तो वो तेज हवा में क्या हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। ही मेक्स स्ट्रोंग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, जबकि अगर आग तेज है तो वो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रोंग बनाती है और ज़्यादा वो आग आगे से आगे बढ़ती जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कि उसकी जो दोस्ती है यानी हवा के साथ जो दोस्ती है वो अच्छी है। और वी प्रेज हिम एवरी डे, और अगर हम दोस्ती उसके साथ कर लेते हैं तो फिर आगे हम उसकी प्रशंसा करेंगे। सो यहाँ पर पोइट जो है एक कंपैरिजन के माध्यम से सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एग्जांपल उन्होंने उठाया है कि जैसे आग जब कमज़ोर होती है तो तेज़ हवा उसे बुझा देती है, जबकि वही आग अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो तेज़ हवा उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इन द सेम वे, सिमिलरली इन आवर लाइफ, अगर हम सिचुएशन को या प्रॉब्लम्स को फेस करते समय कमज़ोर पड़ गए तो वो प्रॉब्लम्स हमें ओवरटेक कर लेंगी। अगर हम उस प्रॉब्लम का सामना स्ट्रॉन्ग बनकर करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें ताकतवर बना देती है, यानी कि हमें मजबूती प्रदान करना कर देती है। सो द इम्पोर्टेंट मैसेज हेयर पोएट वांट्स टू गिव इज दैट वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज इन लाइफ। वी शुड मेक अवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग टू फेस दीज चैलेंजेस, एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ वी विल ओवरकम द चैलेंजेस। यानी कि हमें जो है ये प्रॉब्लम्स को फेस करते समय ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमें
प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, अपने दिमाग को और अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहिए, उन सिचुएशंस को फेस करना चाहिए और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि एक दिन हम उन चैलेंजेस से ओवरकम कर जाएं। सो इफ़ वी विल बिकम फ्रेंड्स विद देम, यानी चैलेंजेस से अगर हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, देन वी विल बी हैप्पी, और तभी हम खुश रह सकते हैं। So if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you. Bye-bye. Have a nice day. देखते रहिए, बने रहिए और समझते रहिए. Bye.